नाम रहेगा, सबकी जुबान पे साईं का बस नाम रहेगा। घंटे गड़ेंगे देखो, घंटे गड़ेंगे। नहीं सर, जब पहले पहले उठाते थे थोड़ी कठिनाई मिली जी, उसके बाद दूसरे साल से थोड़ा भीड़ ज़्यादा होने लगी, तीसरे साल से ज़्यादा होने लगी। अब इस समय 1500 तादाद में लोग जो है हमारे साथ पालकी में बुलाते हैं। तो अभी आपको कितनी खुशी मिल रही है? अब तो बहुत खुशी मिल रही है, मतलब अब यहाँ की जनता आपको सपोर्ट कर रही है। जी, यहाँ बेरोजगार हर साल बढ़ रही है। अच्छा, आप यहाँ जो है ये पालकी सिर्फ अकेले उठा रहे हैं या और भी कहने मतलब पालकियाँ आपके साथ जो है उठाती हैं? सन 12 से अकेले उठा रहे थे, आज 2 साल हुआ एक पालकी और उठती है। वो पालकी कौन उठा रहा है? वो पूरा दोषी के है, जो प्रीति प्रजापति मछली शहर की। ये पालकी उठाते हुए आप कहाँ से कहाँ तक जो है पालकी निकालते हैं? साहब हमें सुजानगंज चौराहे शादीगंज से उठाते हैं, बादशाहपुर चौराहे होते हुए, जनई चौराहा होते हुए, सराय होते हुए और चुंगी चौराहा होते हुए, रोडवेज होते हुए, मछली से बरईपार चौराहा होते हुए, गोला मंडी से अपने फिर यहाँ घर पे लाते हैं। आप रमेश प्रजापति की कौन है? आप लोगों का कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कहने मतलब पढ़ती हैं आप? जी। आप कौन हैं? मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, रमेश। आप कहाँ से आई हैं? मैं गौहर से आई। गौहर से? गौहर बिलवा। आप लोगों का कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। लोग आप लोगों को सपोर्ट करते हैं? प्रशासन आप लोगों को सपोर्ट कर रही है? पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को पूरा सहयोग किया कि नहीं किया? तो पुलिस प्रशासन बारे में आपका क्या क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी है व्यवस्था, बहुत बढ़िया देते अच्छी देते हैं सर। आप कौन हैं? हम पापा हैं, हमारे पापा हैं। आपका नाम क्या है? रिंकू गुप्ता। जब ये स्टार्टिंग उठाते थे तो आप लोग के साथ कितने लोग जुड़ते थे? लगभग 300-400 आदमी थे, उसके बाद बढ़ते ही गए धीरे धीरे। अब कितने लोग जो है कहने मतलब आपके जो है प्रोग्राम में जो है इकट्ठा होते हैं? 1000 के आसपास लोग इकट्ठा होते हैं। आपका नाम क्या है? राम बहाल साईं भक्त। राम बहाल साईं भक्त। साईं भक्त हैं आप? आप साईं भक्त कब से हैं? 18 वर्ष से। तो आपकी मुलाकात इनसे कैसे हुई? आए, कुछ परेशानी थी इनके अंदर जी, तो हमारे पास आए, हमने कहा बेटा बाबा की भक्ति करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। भक्ति करने लगे, इसके बाद इनके हृदय में आया कि मैं भी आप इतना पाल के निकालूंगा। इनको आनंद मिला, खुशी मिली, ये भी। और तब से जो है ये पालकी उठाने लगे। साईं के बारे में आप और कुछ भी कहना चाहते हैं? नहीं सर, सब हमारा। साईं का क्या संदेश था? संदेश साईं का जो है बहुत बढ़िया संदेश। क्या संदेश था उनका? उनका यह उद्देश्य था सबका मालिक है, इसीलिए हम मछली शहर में साईं बाबा की पालकी निकालने लगे। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, अब इस समय तो बहुत हो गए, हजार की तादाद में जो है कि लोग चलते हैं, बाजा वाजा के साथ हम उनकी पालकी निकालते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हमको तो एकदम स्वर्ग लगता है। आप कौन हैं? रमेश चंद भजुआल की वाइफ हैं। हाँ। आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। पहले तो जो स्टार्टिंग में जो है बहुत कम लोग जुड़ते थे। हाँ, अब अभी जो है अब सब बढ़ गए हैं। लगभग कितने लोग हैं? 1000 तक हैं सर। आपके नाते रिश्तेदार भी आते हैं सब? हाँ, सब आते हैं, बड़ी लड़की है, बड़े दामाद हैं। बोलो भाषण। आपको कैसा लगता है अपने ससुराल आके? हमारा घर गौहर बिलवा है जी, इनका कृपा है। हम 2016 से इनको इनके उसरण में आ गए हैं जी, इसको इनका कृपा अच्छा है, इतना अच्छा है कि हम बन अच्छे हो गए। बहुत अच्छा कृपा है, मतलब साईं बाबा का जो है कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, आपके पूरे परिवार के ऊपर। हाँ हाँ जी जी जी। जब से इनको जो है कहने मतलब आप लोग मानने लगे जी, तब से कृपा बहुत बड़ी है साईं बाबा। खबरें आज भी मछली शहर से, अफसर अली, धन्यवाद आप लोगों का।